सो गाइस अभी टाइम हुआ है सुबह का 7:30 और राइड चालू हो चुका है। हे गाइस वाडी बेबी वाडी इट्स बॉय योर कूल क्रेजी बॉय बैक टू अगेन विथ न्यू ब्लॉग। आज का जो वेदर है बहुत ज़्यादा फॉगी है, मतलब सूरज का अभी तक मुंह नहीं देखा हूँ। और भाई बाल को थोड़ा इग्नोर कर देना, बाल हेलमेट के वजह से ख़राब हो जाता है। आज का जो राइड है वो मुकुट मणिपुर का लिए है, तो हम लोग जा रहे हैं आज मुकुट मणिपुर, तो चलो धमाल करते हैं उधर। तो जुएल है, आकिब है, उधर लल्लू है और उधर मेरा बेटा है और सानुअर है। तो राइड स्टार्ट करते हैं, चलो। गाइस गाड़ी अभी तक 33 किलोमीटर चल चुका है और इधर अभी ये लोग हिसू ब्रेक ले रहे हैं, हिसू ब्रेक। तो हम लोग अभी है सारंगा पे और सारंगा से कम से कम हम लोग को जाने में पहुंचने में 30 मिनट लगेगा, 30 से 40 मिनट लगेगा। और इसको देखो, और इधर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो चलो चलते हैं रोड पे मिलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और देख सकते हो रोड कितना मक्खन जैसा है। और इधर एक लेक है और लेक देखो मेरे पीछे है, पूरा पानी से भरा हुआ है लेक। अब जैकेट को खोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है इसको पहले। सब कोई अभी फोटोशूट में बिजी है। मेरे पीछे है लेक और इधर खेती बाड़ी होता है इधर, तो इधर है पानी और इधर है खेती बाड़ी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे और 10 रुपये टिकट देके जा रहे हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। इधर लिखा हुआ है दारू और सिगरेट पीने से एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हम लोग पार्क का मजा ले रहे हैं और घूम रहे हैं, ऊपर से नीचे हो रहा है बस। क्या तो अभी हम लोग चल चल के जा रहे हैं और पार्क खत्म हो चुका है, छोटा सा व्यू पॉइंट था इधर का। हमें तो बोलो भाई बाइक भी होता से जल्दी, इसको सिर्फ जूता और लात का जरूरत है।
प्लेस मुकुट मणिपुर फेमस है डैम के लिए। इधर का डैम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके वजह से मुकुट मणिपुर डैम बहुत ज़्यादा फेमस है हम लोगों का वेस्ट बंगाल। सो गाइस, इधर दिखाने के लिए बस मुकुट मणिपुर डैम है जो मैं आपको दिखा दिया हूँ। अभी जा रहा हूँ लंच करने और लंच करूँगा, तो चलो देखते हैं कहाँ लंच करते हैं। आज संडे है और संडे राइड के लिए मुकुट मणिपुर डैम आज के लिए परफेक्ट प्लेस है। आप लोग आओ विजिट करो, नेचुरल प्लेस है, पेड़ पौधा से भरा हुआ है और पानी है, साफ सुथरा है, बस और कुछ नहीं है इधर। अगर आप लोगों को संडे राइड करना है तो आप लोग आ सकते हैं उधर, परफेक्ट प्लेस होगा। और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने में बस इतना सा दूर है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है मुकुट मणिपुर को टाटा बाय बाय करने का, और हम लोग खाने के लिए जाएंगे लंच करने के लिए। इधर से 15 किलोमीटर दूर में है, तो चलो चलते हैं और मुकुट मणिपुर को टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा, सबको टाटा बाय बाय, खुश रहो, हैप्पी रहो, फिर मिलेंगे। बहुत ही बकवास वाला लंच हुआ है, इधर आर्गुमेंट हो रहा है बिकॉज ये पैसा ज़्यादा ले रहा है और खाना ऐसा नहीं दिया कुछ भी अच्छा। मुकुट मणिपुर आओ बट इस होटल में कभी मत खाना, बहुत चीटिंग बाज है लोग। तो गाड़ी फंस गया इधर, अभी गाड़ी बैक में लेके जा रहा है, बैक बैक। और हम लोग अभी पहाड़ी पे है, गाड़ी को उठाने का कोशिश किया था हम लोग बट गाड़ी नहीं जाएगा ऊपर तक, इसके वजह से आराम से पीछे जा। हम और विशाल भाई अभी जा रहे हैं ऊपर, नहीं ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, इधर रिक्स है थोड़ा, इसीलिए हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न। चलो इधर से फाइनल डिसीजन हो चुका है, इधर से निकलते हैं, इसको भी टाटा बोलते हैं और लेट्स गो टू होम। व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। हम लोग इधर थोड़ा बैठ के चिल करेंगे, अंधेरा होने का वेट करेंगे और मजा लेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर, याद से सब्सक्राइब करके जाना बिकॉज मेरा मोनेटाइजेशन होने में और थोड़ी देर बाकी है, बस थोड़ी थोड़ी।